इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने यूनिस डिसूजा की मैरिजेस आर मेड इस पोएम को अच्छे से स्टडी किया है, अच्छे से एनालाइज किया है। मैं सजेस्ट करूंगा आप समरी वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, पोएम को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन एंड आंसर हम डिस्कस कर रहे हैं उनको आप देखिए, जिससे कि आपको इस चैप्टर की कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। पहला सवाल है, एनालाइज द टाइटल ऑफ द पोएम। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको उदाहरण के साथ एक्सप्लेन किया था कि इस पोएम के टाइटल का इंपॉर्टेंस क्या है। दोस्तों, इंग्लिश के अंदर कहा जाता है मैरिजेस आर मेड इन हेवन। यही कई सारी चीजें हम बॉलीवुड की फिल्मों के अंदर भी सुनते हैं कि जोड़ियां तो रब बनाता है, जोड़ियां तो स्वर्ग से ही बनकर आती है, ऐसा नॉर्मली कहा जाता है। लेकिन इस कहावत को, इस मुहावरे को यूनिस डिसूजा आधे में ही छोड़ती है। वो कहती है मैरिजेस आर मेड, शादियां बनाई जाती है, ना कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन, शादियां स्वर्ग से बनकर नहीं आती, बल्कि शादियां बनाई जाती है यही पृथ्वी के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर। और ये चीज इस पूरी पोएम का सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल थीम है कि आखिर शादियों के लिए किस तरह से सारी बातचीत होती है, किस तरह से लड़की को स्क्रूटिनाइज किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, एग्जामिन द यूज ऑफ द पैसिव वॉइस इन द पोएम, व्हाट इफेक्ट डज इट प्रोड्यूस। दोस्तों, इस पूरी पोएम के अंदर हमें पैसिव वॉइस देखने को मिलता है। पैसिव वॉइस और पास्ट टेंस का हमें यहाँ पे उपयोग देखने को मिल रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो फॉर्मेलिटीज है वो फॉर्मेलिटीज हो चुकी है, ये हमें पास्ट टेंस से पता चल रहा है। और पैसिव वॉइस से हमें पता चलता है कि इस पूरी प्रोसेस के अंदर लड़की का कोई भी एक्टिव सहभाग नहीं है, लड़की सिर्फ यहाँ पे पैसिवली सब कुछ सह रही है। हमने इस पूरी पोएम में या अपनी जिंदगी में भी कभी नहीं देखा कि लड़की बोल रही है लड़के को कि जरा चल के दिखाओ, जरा गाना गा के दिखाओ, जरा अपनी आंखों से देखो एक तुमको ठीक से दिख रहा है क्या। ये सारी चीजें ना हमने हमारे समाज में देखी है, ना हमने इस पोएम के अंदर ही देखी है। तो यहाँ पे पैसिवनेस दिखाता है कि किस तरह से लड़की को स्क्रूटिनाइज किया जाता है लड़कों की साइड से। थर्ड क्वेश्चन है, कमेंट ऑन लाइन 20। 20वीं लाइन है, फ्रांसिस्को यक्स नरुना प्रभु गुड सन ऑफ मदर चर्च। दोस्तों, पूरी लड़की को बहुत अच्छे से स्क्रूटिनाइज किया जाता है, लड़की की आंखें चेक की जाती है, लड़की की फैमिली हिस्ट्री चेक की जाती है कि किसी को मैडनेस या फिर टीबी जैसी बीमारी तो नहीं थी, साथ ही साथ लड़की के पिताजी को भी चेक किया जाता है। यही हम देखते हैं कि ना सिर्फ लड़की बल्कि पूरी लड़की के परिवार की हिस्ट्री और प्रेजेंट सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज किया जाता है, और उसके बाद भी लड़की के अंदर कुछ ना कुछ खामियां ढूंढकर निकाली जाती हैं कि लड़की ज्यादा ऊंची नहीं है, लड़की थोड़ी सी दुबली पतली है। लेकिन कहा जाता है कि चलो लड़की गोरी है तो चल जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ऐसा किया जाता है। इतने बड़े पैमाने पर लड़की को स्क्रूटिनाइज किया जाता है, एक तरह से आप कह सकते हो कि लड़की को एग्जामिन किया जाता है, पूरी तरह से हर एक एंगल से चेक किया जाता है, उसका फिजिकल अपीयरेंस चेक किया जाता है, उसकी फैमिली हिस्ट्री चेक की जाती है, उनकी इकोनॉमिक स्टेटस चेक किया जाता है, उसका मेंटल स्टेटस देखा जाता है, और लड़की की आंखें, कई सारी चीजें चेक की जाती है। लेकिन लड़की की केस में सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, पहला क्राइटेरिया है कि वो किसका बेटा है, बस बात खत्म। वो लड़का नरुना प्रभु इनका बच्चा है। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि नरुना प्रभु एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जो भी है बराबरी के व्यक्ति है, तो ये बात लड़के के लिए वही है, वो खुद एक लड़का है और नरुना प्रभु का लड़का है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और साथ में थोड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है कि वो गुड सन ऑफ मदर चर्च है। अब हमें ये नहीं पता कि वो सच में कितना क्रिश्चियन है, इसका हमें कोई भी प्रमाण या प्रूफ नहीं दिया गया, बस वो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन परिवार के अंदर जन्म लिया है उसने, यही बात उसके लिए सफिशिएंट है, और उसके पिताजी नरहुना प्रभु है, बस यही। तो ना तो हम लड़के का फिजिकल अपीयरेंस देख रहे, गोरा है, काला है, खूबसूरत है, बदसूरत है, कुछ नहीं देख रहे, कितना पढ़ा लिखा है, कितना कमाता है, उसके पिताजी कितना कमाते हैं, उनके ऊपर कितना कर्जा है, उनके परिवार में किसी को टीबी है या मैडनेस है, ऐसा कुछ चेक नहीं किया गया है, ना ही रियल लाइफ में कोई चेक करता है। लेकिन लड़की को ये सारी चीजों के थ्रू जाना पड़ता है, ये पूरा इनजस्टिस, ये पूरा अपमान की तरह लड़की को सहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फैमिली की प्रतिष्ठा, फैमिली का शान, इज्जत वहां पर लड़की के साथ अटैच की गई होती है, कि अगर लड़की की शादी टूट गई, लड़की की अगर लड़कों वाले ने ठुकरा दिया तो परिवार की बेइज्जती हो जाती है, ऐसा माना जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इंपैक्ट डज द लास्ट लाइन क्रिएट, इज इट रिलेटेड टू द टोन ऑफ द पोएम एज अ होल। दोस्तों, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन का आंसर लगभग समान ही है। जो
लास्ट लाइन है वो हमें दिखाती है कि समाज किस तरह से काम करता है, हमें समाज किस तरह से चीजों को नॉर्मल समझने लगता है। अब किस तरह से लड़की को स्क्रूटिनाइज किया जाता है, लड़की शादी के लायक है या नहीं, लड़के के लायक है या नहीं, ये किस तरह से चेक किया जाता है, किन क्राइटेरियाज के ऊपर, किस आधार के ऊपर लड़की को एग्जामिन किया जाता है, ये सारी चीजें कई सालों से प्रचलित है, सदियों से ऐसे ही होता आया है, आज भी ऐसा ही हो रहा है। हो सकता है 400-500 साल पहले भी ऐसे पूछा जाता था कि चल के दिखाओ, बैठ के बताओ, गाना गा के बताओ, एक उंगलियों को देख के दिखाओ, फ्लैट फुट है कि नहीं ये चेक करो, ये सारी चीजें हो सकता है सदियों से चली आ रही है, आज भी चली आ रही है। तो ये लास्ट लाइन हमें दिखाती है कि समाज अक्सर जो बरसों से चलती आ रही है रीति रिवाज है, परंपरा है, इन चीजों को नॉर्मल समझने लगता है। और नॉर्मल समझना यही सबसे बड़ी गलती है। अगर नॉर्मल तब होता जब लड़का और लड़की दोनों को बराबरी से चेक किया जाता। इसी के साथ हमें यह भी समझ में आता है कि लड़कियों को अक्सर कम आका जाता है, अक्सर लड़कियों को बहुत स्ट्रिक्टली स्क्रूटिनाइज किया जाता है। अगर लड़कियों को 100 सवाल पूछे जाते हैं तो लड़कों को 2-3 सवाल में ही एडजस्ट कर दिया जाता है। रह रहकर अगर माँ बाप कुछ पूछते हैं लड़कियों के साइड से, तो बेटा किस कंपनी में काम करते हो, कितनी पगार मिलती है, इससे आगे कोई नहीं बढ़ता, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कियों वालों को भी डर रहता है कि अगर ज्यादा पूछ बैठेंगे तो ये शादी से इनकार ना कर दे। लड़की वाले तो अपनी ओर से शायद ही कभी इनकार करते होंगे। तो दोस्तों ये इस तरह से इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन एंड आंसर हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपके और भी कोई सवाल है, कोई डाउट है, आपके फीडबैक है, तो जरूर कमेंट कर बताइए। चलिए मिलते हैं अगले पोएम की समरी के अंदर।